हाँ जी सर, अभी रियाज़-उज़-जन्नत जाने के लिए हमारे पास गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 होता है। तो इस वक्त देखिए गेट नंबर 2 पे उन्होंने बंद किया हुआ है और इसी तरीके गेट नंबर 2 ने बंद किया क्योंकि ज़्यादा रश अंदर हो जाती है, ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो वो गेट को बंद कर देते हैं। देखिए इस तरीके से गेट बंद है, इससे मतलब हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं और गेट नंबर 2 दोनों साइड से बंद है। ये भी गेट नंबर 2 का रास्ता है, ये बंद है, और ये भी गेट नंबर 2 का रास्ता है, ये भी उन्होंने बंद किया हुआ है। तो गेट नंबर 3 से हम अंदर जा सकते हैं, हम गेट नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। बात हुई है गेट नंबर 3 से हम जाएंगे तो फिर आगे गेट नंबर 2 वाले रास्ते पे आ जाएंगे तो सीधा रियाज़-उज़-जन्नत लेके जाएगा। तो गेट नंबर 2 पे आते हैं, असल में यहाँ पे ग्रुप की शक्ल में भेजते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होती है और एकदम ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो भगदड़ हो जाती है, हालांकि ग्रुप में भी भगदड़ हो जाती है। तो यहाँ ये करते हैं कि कुछ लोग आगे भेज जाए, फिर उन्हें रास्ता बंद कर देते हैं, फिर पीछे लोग जमा हो जाते हैं, जब आगे वाले मजीद आगे चले जाते हैं तो वो उनके पीछे वालों को रास्ता देते हैं। अभी देखिए गेट नंबर 3 है हमारा, हम ये गेट नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये देखें लिखा हुआ है गेट नंबर 3, ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको गेट नंबर 3 का, ये गेट नंबर 3 है, हम गेट नंबर 3 से अंदर जा रहे हैं। ये रास्ता भी रियाज़-उज़-जन्नत जाता है और यहाँ से हमें फिर आगे सीधे आते मुड़ेंगे यानी गेट नंबर 2 की तरफ, तो वो सीधे रियाज़-उज़-जन्नत जाएगा और वहाँ से फिर रोज़ा रसूल से होते हुए हम बाहर आ जाएंगे। हम गेट नंबर 3 से अंदर जा रहे हैं, अब यहाँ से जाके हमें सीधे आप पे जाना है गेट नंबर 2 की तरफ। अब हम गेट नंबर 2 की तरफ सीधे आते मुड़े हैं, हमारा मकसद रियाज़-उज़-जन्नत से होते हुए रोज़ा रसूल पे जाना है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं गेट नंबर 2 की तरफ, जो उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था हम उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ वो हम गेट नंबर 2 से की तरफ आ गए हैं, अभी हम उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे, ये रियाज़-उज़-जन्नत जाएगा रास्ता। हाँ यार काफ़ी टाइम लग जाता है, अभी उन्होंने देखकर बंद किया रास्ता, आगे के लोग अंदर जाए हुए, जब वो फारिग हो जाएंगे आगे चले जाएंगे तो फिर यहाँ से वो रास्ता खोलेंगे, फिर कुछ लोग अंदर जाएंगे, फिर कुछ रह जाएंगे। इस तरीके से जो है वो बड़ा नज़्म व ज़ब्त के साथ लोगों को अंदर भेजा जाता है ताकि भगदड़ ना मच जाए और कोई ज़ख्मी ना हो जाए, क्योंकि लोग भागते हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो है वो बड़े अच्छे मैनेजमेंट, बड़ी बेहतरीन मैनेजमेंट के तरीके से नज़्म व ज़ब्त के साथ भेजा जाता है। अब यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं तो आगे दरवाज़ा रास्ता बंद किया हुआ है, तो जैसे ही आगे वाले लोग आगे चले जाएंगे तो ये रास्ता खुलेगा। तो बीच में दो रास्ते होते हैं, दो रस्सी होती है, पहली रस्सी भी हम लोग खड़े हुए हैं, इसके बाद फिर एक और रास्ता है, वहाँ जाके खड़ा होना पड़ेगा, फिर इसके बाद सीधा रियाज़-उज़-जन्नत का रास्ता है और फिर रियाज़-उज़-जन्नत से होके हम लोग वहाँ से गेट से बाहर आ जाएंगे रोज़ा रसूल से होके। ये देखें मेरे सीधे हाथ पे वही रास्ता है गेट नंबर 1 वाला, जहाँ से हम लोग होके आए थे, सीधा जहाँ से हम रोज़ा रसूल पे गए थे। वाइट तक अभी तक कलर नहीं बना, फिर कलर
बहुत ऊपर फिर क्या होता है बना हुआ कौन कराएगा ये देखिए आगे इंसानों का समंदर है जो अंदर इंतज़ार में खड़े हुए हम लोग मौजूद हैं। हम ऐसे ही बकझोल करते हैं, पता नहीं समझ में नहीं आता। आप लोग से जाए, स्कूल से जाए, साथ साथ दुरूद पढ़ते जाए, जल्दी की जरूरत ही नहीं है। तो कोई टाइमिंग नहीं है ना, जब आपको मौका आ गया आप पढ़ लें, अब ये देखिए पहले लोग रास्ता खाली हुआ है तो अब उन्होंने लोगों का जाने की इजाज़त दी है। अब देखिए कहाँ तक हम यहाँ जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रस्सी बांध दी जाएगी। देखिए बांध दी गई रस्सी, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वहाँ पे ग्रुप वाले अलग हो गए, हम अलग हो गए। अब जैसे वो लोग आगे जाएंगे, जगह खाली होगी तो फिर हमारे लिए जगह बनेगी। तो इस तरीके से ये ग्रुप की शक्ल में आगे भेजते हैं ताकि भगदड़ न मचे और कोई ज़ख्मी ना हो। तो सब मौका सबको मिलता है रेजो जाने जाने का और वहाँ नवाफिल अदा करने का मौका भी सबको मिलता है। तो माशाल्लाह मुझे ही मिला। तो अभी यह है कि अब यार ये रास्ता दरवाज़ा खुलेगा तो फिर जटाएँगे, फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। तो साथ साथ मैं आप लोगों को अपडेट करता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए लोग आगे जा रहे हैं, जब जगह खाली हो जाएगी तो ये रास्ता खुलेगा, फिर हम लोग भी अगले हिस्से में चले जाएंगे। फिर वहाँ पे रास्ता बंद होगा, हमें वहाँ पे वेट करना इंतज़ार करना पड़ेगा। अब जब वो आगे जगह खाली होगी तो ये रास्ता खोला जाएगा। रश बहुत ज़्यादा होती है, बहुत लोग हैं और दकम पेल बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। अब ये देखिए ये रास्ता खोला जा रहा है। आराम से आराम से आराम से भाई, आराम से, धक्का नहीं दे भाई, धक्का नहीं दो यार, आहिस्ते आहिस्ते। अल्लाह धक्का क्यों दे रहे बाबा? लेकिन सबको मौका मिलता है लेकिन जल्दबाजी है, आगे जाके फिर रास्ता बंद हो जाएगा, फिर रुकना पड़ेगा, फिर ये आखिरी रास्ता बंद होगा, फिर सीधा रियाज जन्नत जाना है। बल्कि रास्ता बंद नहीं, हाँ बंद, हमें लेफ्ट साइड से मुड़ा जा रहा है। हाँ ये सीधा रियाज जन्नत हम जा रहे हैं, अब हम सीधा रियाज जन्नत जा रहे हैं। यहाँ से घूम के वापसी हमें रियाज जन्नत की तरफ आना है। अब सीधा हम रियाज जन्नत आ रहे हैं। यहाँ से हम सीधे हाथ की तरफ जाएंगे। ये है मेरे सीधे हाथ पे रियाज जन्ना है। ये देखें मिंबर रसूल है और ये रियाज जन्ना का रास्ता है। यहाँ पे नवाफिल पढ़े जाते हैं। अब यहाँ देखें आगे काफ़ी रश है, लोग नफल पढ़ रहे हैं, तो मौका नहीं है। जैसे मौका मिलता जाएगा लोग आते जाएंगे, नवाल पढ़ेंगे। मेरे सीधे हाथ पे देखे ये मिंबर रसूल है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ये दो बीम के दरमियान की जगह ये रियाज जन्नत कहलाती है। यहाँ पे साहबा कराम बैठा करते थे नवाफिल, इसको रियाज जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा किराम यहाँ पे बैठते थे, नमाज़ पढ़ते थे। तो यहाँ बहुत फजीलत है नमाज नफल अदा करने की। रश बहुत ज़्यादा होती है, बस नवाफिल पढ़ने की जगह
لوگ نفل پڑھتے جاتے ہیں، آگے جاتے جاتے ہیں، جگہ خالی ہوتی ہے اور لوگ دوسرے ان کی جگہ آتے جاتے ہیں۔ ہاں یہی نماز پڑھنے دو نفل۔ اب ہم ریاض جنت کے حصے میں آ چکے ہیں، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الٹی سائڈ پہ روضہ رسول ہے، میرے سامنے روضہ رسول ہے، اور بیچ میں یہ جو بیم کے درمیان جگہ ہے وہ ریاض جنت کہلاتی ہے، یہاں لوگ نوافل ادا کرتے ہیں۔ جس کو جہاں موقع ملے نفل ادا کر لے، لیکن احتیاط کے ساتھ، کیونکہ پیچھے رش ہوتی ہے۔ اور میرے سامنے دیکھیں یہ ممبر رسول ہے، جہاں موقع مل گیا میں نوافل ادا کر رہا ہوں، تو آپ کی رہنمائی کے لیے سب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، تاکہ آپ آئیں تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہو، آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے۔ ماشاء اللہ بالکل ہم عین جگہ پہ آ چکے ہیں، تو میں بھی یہاں دوبارہ نوافل ادا کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔